अवकाश प्रदान कन्या महाविद्यालय खरखोदा सभी को प्रणाम करता हूँ। आज कुछ भाइयों द्वारा कॉलेज के बारे में जो भी आरोप लगाए गए उसके बारे में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सब कॉलेज की प्रोग्रेस के बारे में गलत कहा जा रहा है। पहली बात धांधली को लेकर क्लियर करना चाहूंगा कि सिर्फ 14 टीचिंग स्टाफ और 10 नॉन टीचिंग स्टाफ की तनख्वाह का 95% सरकार से आता है, जो 5% बनता है वो करीब साल का 25 लाख बनता है जो कि कॉलेज देता है, जबकि कॉलेज में 70 कर्मचारी हैं और बाकी कर्मचारियों की सारी तनख्वाह भी कॉलेज से दी जाती है। हर एक पैसे का पूरा ऑडिट हर साल कॉलेज की रिजल्टों के कारण ही कॉलेज को ए ग्रेड मिला है और आपका कॉलेज पूरे हरियाणा में दूसरे स्थान पर है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। रही सरकार बनाने की बात, हमने चंडीगढ़ अपने सारे कागज रेजुलेशन करके भेज रखे हैं, गवर्नमेंट जब चाहे ले लो, हमने कोई एतराज नहीं। रही बात मेंबर बनाने की, 1992 में 93 में जिन प्रमुख लोगों ने जमीन और चंदा इकट्ठा करके कॉलेज शुरू किया था उन्होंने ही 299 सदस्य का संविधान बनाया था और आज उसी का पालन कॉलेज कर रहा है। चंदा इकट्ठा करने वालों में भाई कुलदीप भी शामिल था। ये उन लोगों से उन्हें जब क्यों नहीं पूछा मेरे को मेंबर क्यों नहीं बना रहे, ये बात या तो भाई कुलदीप जानते हैं या फिर वो सदस्य। अब जो मेंबर बनाए गए हैं वो 11 लोगों की कमेटी ने चुने हैं, उस कमेटी में मैनेजमेंट का कोई पदाधिकारी शामिल नहीं था। रही बात यूनिवर्सिटी बनाने की, आज तक कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी बन गया ये भाई कुलदीप ही बताने का कष्ट करें। अगर भाई कुलदीप कॉलेज की यूनिवर्सिटी बना सकते हैं तो सभी को उनका साथ देना चाहिए, इससे अच्छा क्या हुआ। पढ़ाई की बात करें तो हर साल लड़कियां यूनिवर्सिटी टॉप कर रही हैं और मेरिट ले रही हैं, रिजल्ट आपके सामने है। खेलों की अगर बात करें, यूनिवर्सिटी में टॉप, अपने इंडिया में टॉप, इंटरनेशनल पर छात्राओं ने मेडल जीते हैं और देश का नाम रोशन किया है, आप सभी जानते ही हैं। कमेटी को ही अधिकार था, इसमें मेरे बेटे ने भी अप्लाई किया था और मेरे भतीजों ने भी, लेकिन कमेटी ने उनको भी नहीं चुना, इसमें धांधली की बात कहां से हुई। इस तरह के गलत और झूठे प्रचार से जिन लोगों ने जमीन और चंदा दिया दान में, उनको और उनके परिवार को भी, छात्राओं को भी दुख होता है। इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। जिन संस्थाओं के कई हजार मेंबर हैं उनके रिजल्ट और हमारे रिजल्ट उठाकर देख लें, सब कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। शुरू से आज तक जितने भी पदाधिकारी चुने गए हैं सभी सर्वसम्मति से चुने गए हैं और सभी ने बिना किसी स्वार्थ के लड़कियों की शिक्षा के लिए कार्य किए हैं और कभी किसी ने पद का लालच नहीं किया। आज भी कॉलेज प्रेमी किसी को भी चुने, मैं उनके साथ हूँ। नमस्ते। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।